आज मैं आपको 2 साल की बेबी के लिए अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना सिखा रही हूँ, कॉटन की कपड़े की और बद्दी वाली। तो ये बहुत कंफर्टेबल रहती है पहनने में, तो गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये अम्ब्रेला फ्रॉक होती है, इसमें कोई चुन्नट नहीं रहती है और घेरा बहुत सारा रहता है, तो ये बहुत सुंदर लगती है, आप भी बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। कटिंग करने से पहले नाप समझ लेते हैं। सीना की चौड़ाई है 22 इंच, कमर है 21 इंच, शोल्डर है 7 इंच, चोली है 7.5 इंच और घेरा की लंबाई है 9.5 इंच। तो चलिए कटिंग करते हैं। कटिंग के लिए हमने 1 मीटर कपड़ा लिया है, कपड़े को 1 मीटर लिया है, तो इसको पहले हम उल्टा कर लेंगे। ये सीधा है, इसको उल्टा कर लिया और बराबर मिला लिया। तो पहले हम चोली के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। चोली की लंबाई 7.5 है, तो इसको 8.5 से निशान लगा लिया, आधा इंच नीचे की साइड दबेगा, आधा इंच ऊपर की साइड दबेगा, तो 8.5 पे निशान लगाया। अब यहाँ से सीना की चौड़ाई निकालेंगे। तो पहले कपड़े को बस रखना है अभी और एक सीधी पट्टी निकाल लेना है। तो इस पहले सीधी पट्टी निकाल लेते हैं। इस जॉइंट को खोल लेते हैं। तो एक एक पार्ट करके आपको दिखा देती हूँ। तो पहले हम निशान लगाएंगे सीना की चौड़ाई का। सीना 22 है, तो 5.5 से निशान लगाएंगे, 22 का चौथाई भाग 5.5 जाएगा। तो आप चाहो तो इस तरह भी निकाल सकती हैं। जैसे ये 22 इंच हो गया, इसको इस तरह 22 के ऊपर रख दिया, तो इसका आधा भाग हो गया 11। अब 11 का आधा करना है, तो ये चौथाई भाग इसका आराम से निकाल सकती हैं। तो इस तरह 5.5 इसका आएगा। तो पहले हम 5.5 पे निशान लगाएंगे। तो ये 5.5 पे निशान लगा लिया है एक, और कमर 21 है, तो 5.25 पे लगा लेंगे। तो छोटी बेबी के लिए है, कमर की साइड सिर्फ 2 पॉइंट घटाया है। अब निशान लगाएंगे हम शोल्डर का। तो शोल्डर 7 है, तो उसका 3.5 होता है आधा, तो हम 3.5 से नहीं लगाएंगे, सिर्फ 3 से लगाएंगे। इसमें शोल्डर घटा देंगे, क्योंकि खुले गले का है तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो बेबी की कंधे से नीचे आएगा, तो इसलिए हम सिर्फ 3 इंच का ही निशान लगाएंगे। और ये हमने घटा दिया। गले के लिए निशान लगाएंगे 2.25 पर और 3 इंच रखेंगे लंबाई। अब इस निशान से रखेंगे 4 इंच। ये निशान मुड्ढा का हो गया। हम यहां से मुड्ढा को इस तरह देंगे आकार। तो इसमें कोई आम मोहर नहीं रहता है, इसलिए बस इस तरह तिरछा आपको दे देना है और गले का आकार इस तरह बनाना है। तो ये एकदम गोल नहीं है, ये थोड़ा सा हल्का यू शेप में आएगा। और यहाँ से हम इस तरह गुलाई का काटेंगे, इस तरह, यहाँ से इस तरह ऊपर की साइड कर दिया। अब बस काट लेना है और इसका मार्जिन इधर निकाल लेना है। काटने से पहले मार्जिन भी रखेंगे, तो इसमें 1.25 इंच का मार्जिन रख देते हैं। तो आप कोई भी कपड़ा काटो, कटिंग से पहले मार्जिन जरूर रखिए। बस अब हमें कटिंग कर लेना है। अब इसी को रख के हम पीछे का निकाल लेंगे। उल्टा करने के बाद इसका सेम ही निकालना है, बस इस तरह रखना है और इसका सेम निकालना है। एक यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस कट से याद रहेगा कि सिलाई इधर से इधर तक आना है। तो ये चोली की कटिंग हो गई। अब हम घेरा की कटिंग करते हैं। जो भी कपड़ा बचा हुआ है, ये डबल रखा हुआ है, अब इस पूरे कपड़े को हम एक बार और फोल्ड कर देंगे। इसको 4 पुर्त में कर दिया है, ठीक है। तो ये 4 पुर्त में हो गया है। 4 पुर्त में
करने के बाद अब हमें इस तरह रख लेना है इसको। तो अब आपको इस तरह रखना है, अपनी साइडें नोक आनी चाहिए और दोनों साइडें बंद होना चाहिए। अम्ब्रेला फ्रॉक में इस साइड भी बंद हो और इस साइड भी बंद हो तो ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसको काटने से पहले, जैसे कि कमर हमारी 1.25 है तो हम इसको 1 इंच कम रखेंगे इधर, तो हम यहाँ पे 1.25 पे रखेंगे। इस तरह 1.25 पे निशान लगाएंगे पहले। अभी इस तरह हमने 1.25 पे निशान लगा दिया है, अब यहाँ से निकालना है बराबर। तो जैसे कि ये 3.5 पे हो रहा है तो इसी नोक से हम 3.5 पे पूरा घुमाएंगे। अब हमारा सेब जिस तरह जा रहा हो उसे जाने दीजिए। इस तरह हमने इसको घुमा दिया। तो ये निशान लगाने के बाद अब हम लंबाई नापेंगे। घेरा की लंबाई 9.5 है तो हम यहाँ से 1/2 इंच तो हमारे इधर मार्जिन रहेगा, तो ये 10 हो गया। नीचे की साइड अगर आपको कपड़ा मोड़ना है तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखिए, और अगर आप चाहो कि आपको पीको करना है तो 1/2 इंच रखिए। ठीक है, तो 11 इंच पे निशान लगा दिया। अब 11 इधर से रखेंगे, इंची टेप को खिसकाते जाएंगे और इस निशान से इस निशान को मिलाते जाएंगे बराबर। अब हम पहले इसको काटेंगे। सेम निशान पे काटना है। तो इसका ये चौथाई भाग ये मिल गया, तो ये मिल गया। तो इसका ये आकार जो इस तरह आ रहा है तो उसी तरह हम थोड़ा सा इसको तिरछा कर देंगे। इस तरह ये वाला कपड़ा थोड़ा सा छांट के तिरछा निकालना है जिससे इसका आकार ये परफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह आपको चौथाई भाग निकालना है। आप इसे करना चाहें तो करिए, नहीं तो सीधा भी ये घेरा सुंदर आता है। इस कपड़े से 2 पॉइंट ही ऊपर लिया है, बस हल्की सी गुलाई इसको इस तरह दी है। जब भी आप अम्ब्रेला घेरा निकालें तब आपको याद रखना है कि इसका चौथाई भाग पूरा इधर नहीं रखना है, 1 इंच इससे 1 इंच इसको कम रखना है, नहीं तो ये गहराई से बढ़ जाता है और आपको दिक्कत होगी। तो 1 इंच इसको कम ही रखना है। चलिए अब यहाँ के लिए पट्टी निकाल लेते हैं। तो जब हम गले के लिए पट्टी निकालते हैं तो इस तरह सीधी पट्टी नहीं निकालते, इस तरह तिरछा पट्टी निकालते हैं और रिब की साइड से। ऐसी ही 2-3 पट्टी निकालना है। अब इस पट्टी से थोड़ी पतली पट्टी निकालेंगे, इस पट्टी की हम डोरी बनाएंगे तो इससे थोड़ी सी पतली निकालेंगे। तो 4 लटकन बनाना है हमें इस कपड़े के। तो इस तरह सीधा किया, अब जितनी भी लंबाई का बनाना है उस तरह निशान लगा सकते हैं। 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो कपड़े को 4 पुर्त में रखा है, 1.5 इंच का बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हमें 4 कपड़े काटना है जो डबल में ही रहेंगे। तो इस कपड़े को इस तरह डबल रखना है और फिर इसको एक बार फोल्ड कर देना है और एक ही साइज के हम काट लेंगे 4। कटिंग पूरी हुई। एक घेरा है, ये ऊपर की चोली है, पाइपिंग लगाने के लिए पट्टी है और ये बद्दी बनाने के लिए है और ये लटकन बनाने के लिए। तो अब सिलना शुरू कर दें। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं राधिका ट्यूटोरियल्स पर। सिलना शुरू करते हैं। तो पहले चोली तैयार करेंगे, बाद में घेरा लगाएंगे। इसमें पहले पाइपिंग लगाना है, पट्टी में जॉइंट लगाते हैं। तो ये और एक पट्टी है जो हमने पाइपिंग के लिए काटी थी। तो इसको इस तरह तिरछा रखना है, इस तरह इसको रखना है,
एक नोक इसकी इस तरफ होना चाहिए और दूसरे की इस तरफ होना चाहिए। अगर आपके कपड़े की दोनों साइड एक जैसी नोक निकली है तो आप काट के निकाल लीजिए, एक नोक आपकी इस तरफ हो और दूसरे की नोक इस तरफ हो, और फिर इस तरह रखना है और एक पैर के मार्जिन से सिलाई चला देना है। जॉइंट को लगाने के बाद इस कपड़े को इस तरह खोल देना है और इस तरह दबा देना है। दबाने के बाद इसको मोड़ना है, इस तरह मोड़ के इसको नाखून से दबाना है। ये और एक पट्टी होती है, इसको हम जब खींच के इस तरह नाखून से दबा देते हैं तो ये खिंच जाती है। फिर लगाते समय आपको बिल्कुल नहीं खींचना है, बस लगाते जाना है। पहले हम डोरी बनाएंगे फिर पाइपिंग लगाएंगे। तो इसमें ज़्यादा पतली डोरी नहीं बना रहे हैं, थोड़ा मीडियम बनाएंगे, इसमें सीधी सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से इसको डालना है, ऊपर की साइड इसको डाला और इसको अंदर की साइड डाल दिया। इस तरह इसको पूरा बाहर निकाल देना है। वैसे तो मैं आपको डोरी बनाना सिखाई हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी चैनल राधिका ट्यूटोरियल्स पर जाकर देख सकते हैं। तो ये तो थोड़ी मीडियम साइज की डोरी बना रही हूँ, उसमें मैंने आपको और पतली डोरी बनाना सिखाया है। तो नाखून से आप इस तरह दबाएंगी, इसको इस तरह निकालती जाएंगी तो ये कपड़ा इसमें भरता जा रहा है। बस इस तरह खींचते जाना है धागा को और इधर से खोलते जाना है पीछे की साइड। तो इसी तरह हम चार डोरी बनाएंगे और इसमें लटकन लगाएंगे। तो इसमें अब डबल लटकन नहीं लगाना है, मोटे ज़्यादा हो जाएंगे इसलिए इसको सिंगल ही लगा रहे हैं। तो इसको सीधा रखा और डोरी को इस तरह रख दिया, इसको सीधा और डोरी को इस तरह रखा। और हम यहाँ से एक पैर के मार्जिन से सिलाई डाल देंगे, तो डोरी इधर ही रहना चाहिए लास्ट में, और यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई को डालने के बाद इसको खोल देंगे। चार डोरी बनाएंगे, उसमें लटकन लगाएंगे। तो पहले आंगी का पार्ट शुरू करते हैं, इसको सीधा रखा और पाइपिंग को भी सीधा कर लेंगे इस तरह काट के। अब हम यहाँ से पाइपिंग लगाएंगे, लगाते हुए इधर आएंगे और यहाँ पे इसको काट देंगे, इसको काट के निकाल देंगे और फिर यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ काटने के बाद फिर हम यहाँ से पाइपिंग शुरू करेंगे, यहाँ तक लाएंगे, फिर यहाँ पे काटेंगे और फिर यहाँ से शुरू करेंगे। एक पैर के मार्जिन से कम हमें सिलाई चलाना है। एक साइड पट्टी लगा ली है, अब हम दूसरी पट्टी यहाँ से शुरू करेंगे, सीधी सिलाई लगाना है। जैसे हमने इधर लगाई है बस यहाँ से सीधी सिलाई यहाँ तक चलाना है। सिलाई पूरी में लग गई है, जितना आप चाहो उतनी पतली पाइपिंग बना सकती है, बस थोड़ा सा कपड़ा निकालना है। इस कपड़े को ऊपर की साइड दबाना है और इस कपड़े को इसके ऊपर झुकाना है इस तरह। अंदर की साइड कपड़े को भर दिया, पाइपिंग के नीचे सिलाई चलाना है। तो पाइपिंग के नीचे नीचे सिलाई चलाएंगे, ऊपर नहीं। इसी तरह पाइपिंग अब हम इधर बनाएंगे। अब पाइपिंग बनाने के बाद अब हम इस डोरी को इधर रखेंगे, बीच में इसके ऊपर रखना है। ऊपर रखने के बाद इस पर एक सिलाई लगा देना है, इस पर एक दो बार सिलाई चला देना है जिससे स्ट्रोंग हो जाए। तो दोनों साइड ऐसी तरह करना है, इधर रखना है और इसी के ऊपर सिलाई चलाना है, दो तीन बार चलाना है।
इस तरह सिलाई लगाया इस पे, और अब इसको अंदर की साइड दबा देना है, इस तरह इसको दबा देना है। सुई धागा की मदद से इसमें टांकी लगा देना है। अस्तर वाला होता है तो उसमें तो दबी जाता है, अभी बिना अस्तर की फ्रॉक है इसलिए इसको धागा सुई धागा से हमें रोकने पड़ेगा। फिर मैं बाद में आपको अस्तर वाली बताऊंगी। तो ये इस तरह दिखेगी। इसी तरह अब हम इसको भी अंदर की साइड दबा देंगे। तो इसी तरह हमें दूसरा पार्ट तैयार करना है, सेम इसी तरह। तो दोनों पार्ट बन गए हैं, अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे, एक को सीधा एक को उल्टा, और इसी निशान पे सीधी सिलाई चलाना है। दोनों साइड सिलाई लगा ली है, अब इसको सीधा कर लेंगे। और एक यहाँ पे निशान लगाना है जिसका सेंटर है, और एक इधर निशान लगा लिया। ये जो निशान लगे हैं ये बीच का सेंटर है, अब इसको इस तरह पकड़ेंगे और इसके अंदर डाल देंगे, और इसकी एक सिलाई को पकड़ के इसके सेंटर में मिला देंगे। इस तरह मिलाया, मिलाते जाना है और सिलाई चलाते जाना है, और इसको गोल घुमाना है। तो इस तरह गोल सिलाई घुमा दी है, अब इसको सीधा कर लेंगे। तो इसमें दो सिलाई अब नीचे डालना है, ये और एक घेरा रहता है तो इसमें क्या है कि एक बार पहले इस तरह सिलाई डालेंगे पूरे में, और फिर जब पूरे में सिलाई कर लेंगे उसके बाद हम दोबारा सिलाई फिर इस तरह डालेंगे, जिससे आपकी सफाई अच्छे से आएगी। और अगर आप एक ही बार में इस तरह डालेंगी कि एक बार फोल्ड किया फिर दोबारा फोल्ड कर देंगे, इस तरह अगर डालते हैं सिलाई तो इसमें गुड़ी आ जाती है। तो आपको एक एक बार सिलाई डालना है, पहले इस तरह, जब पूरी सिलाई ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम दूसरी सिलाई डालेंगे तो अच्छी आएगी। ठीक है, तो दो सिलाई हमें इधर डालना है। एक बार करने के बाद अब इसको दोबारा फोल्ड करना है इस तरह। ये वाली लेस लगा रही हूँ इसमें, तो पीछे की साइड से लगाएंगे, पीछे साइड से लगाएंगे, एक साइड इसको इस तरह लगा देंगे। बीच का जो सेंटर दिख रहा है ना सिलाई का, जो निशान मुड़ता है बीच का सेंटर रहता है, उधर से ही हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह इसको रखेंगे, और इसकी जो सिलाई होती है अंदर साइड की उसको ऊपर की साइड दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे, इसके ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे और पूरा घुमाते जाएंगे। तो मैंने इसमें लेस लगा दी है और एक लेस का फूल इधर टांग दिया। तो ये बनके कंप्लीट है, अब आप बनाइए और बेबी को पहनाइए। गर्मियों में बहुत कंफर्टेबल रहती है इसमें, उसके हिसाब से बद्दी बांध देंगी आप तो एकदम बहुत कंफर्टेबल रहेगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और बनाइए ज़रूर, बनाइए, बेबी को पहनाइए, और एक फ़ोटो खींच के मेरी वेबसाइट राधिका ट्यूटोरियल्स.com पे ज़रूर भेजिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।